फनी स्टोरी ये है कि जब मैं न्यू आया तो मैंने इससे ना बनाने की कोशिश की जो चाय। वेलकम टू अनदर व्लॉग जी गाइस, कैसे हम सब। आज कल का काफ़ी अच्छा खासा काम था, हमने इंस्पेक्शंस वगैरह करवाई और उसके बाद थोड़ा मटेरियल एनालिसिस किया, मटेरियल रिपोर्ट बनाई, उसके बाद पीएम साहब से मीटिंग की। पीएम साहब से मीटिंग करने के बाद अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काम है जो पेंडिंग था, करने वाला था, बट उसके लिए हमें जो परमिट टू वर्क चाहिए था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। अभी लास्ट करना ये है, पहले आज अभी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी वो जमा करवानी है जी, हेड ऑफिस जाना है, हेड ऑफिस से वापस आकर फिर साइट पर जाना है, साइट की कंडीशन देखनी है और वो मटेरियल जो ऑलरेडी कहते हैं पड़ा हुआ अप्रूव उसको चेक करवाना है जी अपने कंसल्टेंट साहब के थ्रू, फिर उससे हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह। होप सो आज हमारे जो क्रेन का जो कल मसला बना था उसके लिए ऑलरेडी थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन है वो क्रेन के लिए हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर मंगवाया आज, तो आज उनको भी इंस्पेक्ट करवा लेंगे, जो पेंडिंग है सारी की सारी करवा लेंगे, ताकि अगर एक मंथ भी डिले है तब भी करवा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्रोग्राम हो गया चेंज, अभी एक बंदे को पिक करना, फिर निकलेंगे साइड पर ही सीधा, उन्हीं को दे देंगे डॉक्यूमेंट्स अपने भी। मिली है आ गई है सैलरी। वो इस बिल्डिंग में, किस न्यू बिल्डिंग में है वो? न्यू बिल्डिंग तो इधर ही है। न्यू बिल्डिंग इधर है? वो मेरे बिल्डिंग में। अच्छा, तो आपकी बिल्डिंग इमरान भी इधर है? हाँ बिल्कुल सही। उस दिन ना, जिस दिन यार तुम उस दिन छुट्टी की हुई थी तुमने। असल में आपके यार कोई थी आपके जो है ना उसमें कैंप में कमेंट साइड पर जाना है अभी, तो चलते हैं। अच्छा ये देखिए हमारी गाड़ी में क्या कुछ पड़ा होता है ये सफाई के लिए रखा हुआ है, सही बात है। निकले हैं तो चलें, अभी आए थे ये हम, ये होता जी इंजीनियरिंग स्टोर, एक्चुअली इस तरह का नहीं होता लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने ना हमारे स्टोर कीपर जो है उसको थोड़ी चोट लग गई थी, वो उसका एक्सीडेंट हुआ किसी जगह पर बाहर ही कहीं, तो उसको कहीं चोट थोड़ी लग गई है तो वो नहीं आ रहा, इस वजह से ये सारा जो है ना इधर उधर वो ये चीज़ें। शरारत सूझी है, शरारत ये है कि ये नहीं किसी को नुकसान पहुँचाना, बट ये है कि हमारे जो सेफ्टी ऑफिसर है ना वो हमसे डिमांड करते हैं भाई KFC खिलाओ, आपने जो लैब का वो लिया है आप लिफ्टेड अपॉइंटेड पर्सन बने हैं उसकी हमने पार्टी नहीं दी, आज उनका पे कार्ड आया नया वो हमारे हत्थे चढ़ गया, तो अभी हम उनसे पहले KFC खाएंगे ना तो फिर सोचेंगे उनको खिलानी है कि नहीं चले चलते हैं, अभी देखते हैं निकालते हैं उनका कार्ड। देखा था इधर कुछ भी नहीं था, अभी इन्होंने इन्ना ये क्या करते हैं, सुबह नहीं था, कल शाम तक नहीं था, 6 बजे हम इधर से गए तो अभी रोड बन गया। क्या स्पीड है, सही है जी अपनी साइड। दिस वन आई थिंक अभी सारा सारी हमारी टीम इधर खड़ी है, इंस्पेक्शन हो गई है, इंस्पेक्शन करवाई है इसकी और थोड़े से कमेंट है वो क्लियर कर देते हैं आफ्टरनून में इंशाल्लाह, तो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे हमें, आई हुई है उनके इंस्पेक्टर जो, अभी इसका थोड़ा सा इशू था वो भी कंप्लीट हो गया, उनको पिक्चर भेजेंगे उनको सर्टिफिकेट भेजेंगे हम इंशाल्लाह। बात तो ठीक है ना, हाँ लेकिन इसके लिए ये नहीं चाहिए, रिवर्टिंग आदमी को तंग करता है ये, वो हर एक को तंग करते हैं, ठीक है वो कोई मसला नहीं। शनिधर तो हो गई है, अभी जाना है वापस उधर 35 पे अपने साइड ऑफिस पे, वहाँ पर कल भी नहीं काम कर पाया, थोड़ा ही किया उस पर मैचर स्टेटमेंट पे,
जी लबन इसको बोलते हैं यानी लस्सी। और एक फनी स्टोरी है कि जब मैं न्यू आया तो मैंने इससे ना बनाने की कोशिश की जो चाय, वो दूसरी थी बॉटल वाली। पर लबन बोलते हैं लस्सी को और हलीब बोलते हैं दूध को। तो जब मैं आया तो मैं आकर पत्ती डाली उसमें, तो वो तो पनीर बन गया उसका। तो भाई मुझे कहते हैं कि लगता है आपने आउटडेटेड लेकर आए हैं। तो उनको बताया भाई ये मैं लेकर आया, तो उन्होंने बोला ओ अल्लाह के बंदे ये लबन है, लस्सी है, दूध नहीं है। तो वो स्टोरी मुझे याद आ गई। तो मैं सोचा आज कंसल्टेंट ऑफिस में। सही है, चला जी। आप तो जुम्मा लिया है पर, तो अभी वेट कर रहे हैं जी हम अपने ड्राइवर साहब का। तो वो आज तो फिर आज काफ़ी ज़्यादा तो शिकत करनी पड़ी, क्योंकि एक मस्जिद में जुम्मा नहीं था और दूसरी मस्जिद में उन्होंने नहीं जाने दिया। जब तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है तो वो थोड़ी दूर थी, तो पैदल काफ़ी वॉक करनी पड़ी है जी। तो चलते हैं फिर निकलते हैं। आले बाहर वाले डिस्टेंस मेजर किया था यहाँ से, इसके मिडल में आया था तकरीबन, वो 82 था शायद, आई थिंक 82 था। तो उसके लिए हमने बनाने होल्स वो राइट साइड में देखेंगे, बिकॉज जिस तरफ फाइव की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हम देखेंगे, ठीक है, उसी तरफ बनाएंगे। यानी फर्स्ट साइड में ये दो साइड है, किस तरफ चले दो और एक डाउन से इधर, देखते हैं अनॉक्सिक टैंक है क्या चीज़। हमारे दूसरे इंजीनियर साहब भी हैं इधर, चेक करते हैं इनको कार क्या रहे हैं, देखना पड़ेगा, ज़रा देखते हैं क्या। भाई वाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अपने हमारे दूसरे इंजीनियर साहब कुछ देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, हम भी चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं उधर, तो लूप पंप की तरफ आए हुए हैं। ये देखें, ये अभी खोल के रखा हुआ है, ये इसका इंटरनल, ये पंप है बेसिकली जो रोटेटरी, यानी उसके जो है ना वो डबल साइड रोटेट करता है इधर से, ये सारे का सारा इधर। ये चेक करें कितना बड़ा ये पंप है, सही है, इधर से इधर ये चेक कर, यानी डबल साइड इस तरफ भी होगा और इस तरफ से भी सेम है। ये शेर जा रहा है माशाल्लाह, कितनी वो पली हुई है बिल्ली। ये हो गया काम करते करते, काम भी ख़त्म हो गया। अल्लाह, मैं गया था उधर प्लांट पर भी हम गए हैं थोड़ी देर के लिए, काम था, दूसरे इंजीनियर साहब ने पूछना था कुछ मुझसे, वो भी निकल हैं जी, वापस चलें चलते हैं इंशाल्लाह। आज मौसम बड़ा अजीब सा बना होगा, इस तरह लगता है बादल है, हवा चल रही है बड़ी मज़े की और ह्यूमिडिटी भी है, कुछ अजीब सही है बट अच्छा है। तो हम निकले जी वापस, कुछ बंदों की सैलरी आ गई थी तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि उनकी सैलरी आ गई और बाकी लोगों को क्यों नहीं, बिकॉज़ जब मंथ एंड होता है तो सैलरी इज़ द फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट ऑफ एवरीवन। सो डिस्कस करते करते हम जा रहे थे जी अपने घर, और जाकर करनी थी जिम की तैयारी। तो चलें जी, चलते हैं हम और साथ साथ नक्शे के लिए हम प्लानिंग करते जा रहे थे। वो करवाना ओके जी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।